सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प नहीं देने से व्यापारी नाराज। व्यापारी बोले, देश में पानी की बोतल व दूध के पैकेट को नहीं किया गया बैन, छोटे व्यापारियों पर ही क्यों गिरती है गाज। व्यापारियों को जागरूक करने में भी फेल रहे नगर परिषद अधिकारी। व्यापारी बोले, अच्छा होता बैन लगाने से पहले सभी व्यापार एसोसिएशन को बुलाकर बैठक करते नगर परिषद अधिकारी। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर जहां व्यापारी वर्ग हो या आम आदमी सभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प नहीं देने से नाराज भी नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी शहर में भी इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। शहर के पंजाबी मार्केट की बात करें या फिर अन्य बाजारों की, व्यापारियों का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होना चाहिए, लेकिन व्यापारियों को विकल्प दिया जाना भी जरूरी है। व्यापारियों ने यह भी कहा कि देश में पानी की बोतल, दूध के पैकेट सभी सिंगल यूज प्लास्टिक में आते हैं, फिर पॉलिथीन को ही क्यों बंद किया गया। व्यापारियों ने यह भी कहा कि 75 माइक्रोन क्या होता है, व्यापारियों या उपभोक्ता किसी को कुछ जानकारी नहीं। नगर परिषद अधिकारियों को शहर के सभी बाजारों के प्रधानों को बुलाकर जागरूक करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब चालान काटे जा रहे हैं। आप बाजारों में देख सकते हैं किस तरह से उपभोक्ता पॉलिथीन में सामान ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के दूसरे दिन रेवाड़ी शहर के बाजारों में पॉलिथीन का उपभोग करते लोग नजर आए। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ व्यापारियों ने पॉलिथीन की जगह कपड़े के बैग उपयोग करना शुरू कर दिया है। वहीं कुछ व्यापारियों को यह भी कहना है कि उनके पास जो स्टॉक बचा हुआ है तब तक छूट देनी चाहिए। व्यापारियों का यहाँ तक कहना है कि नगर परिषद अधिकारी पहले शहर के व्यापारियों को बुलाते और इसको क्रियान्वयन करने के लिए पहल करते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब देखना होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन कितना कारगर होता है, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले भी कई बार बैन लगाए गए हैं, लेकिन जागरूकता व क्रियान्वयन के अभाव में ये व्यवस्थाएं, ये यूं कहें तो ये योजनाएं दम तोड़ देती हैं। अब आपको सुनाते हैं कि दूसरे दिन व्यापारियों ने क्या कहा, आखिर व्यापारी क्या सोचता है। तो सबसे पहले मैं प्रधान पंजाबी मार्केट कॉम्प्लेक्स ट्रेडर एसोसिएशन, ये जो निर्णय लिया गया है ये पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के लिए निर्णय लिया गया है और बहुत ही अच्छा निर्णय है, ऐसी बात नहीं। तो इसके अंदर कमेटी वालों को, हम जो रेवाड़ी के प्रधान है उनको एक बार बुलाना चाहिए था, जो मीटिंग रखनी चाहिए थी इसके बारे में, तो हमको ये मौका नहीं मिला। और तुरंत ही इनकी कल भी काफी 6-7 चलान सुने काटे हैं बाजार के अंदर। तो जो थैली बंद कर रहे हैं, ठीक है बंद करें, और हमको जो नई थैली किससे लाए कपड़े वाली, जो किस कस्टमर को दें, पहले वो तो गवर्नमेंट को चाहिए था ना कि थैली कहाँ से मिलेगी, कहाँ से लें हम। ये नहीं है अब एकदम तुमने कह दिया, अब हर दुकानदार के पास किसी के पास 100 ग्राम भी होगी, किसी के पास 2 किलो भी होगी, 10 किलो की भी होगी, उसका थोड़ा वक्त देना चाहिए। 75 माइक्रोन की बात करते हैं, क्या 75 माइक्रोन क्या होता है, आपको इसके बारे में कोई जानकारी? इसके बारे में गवर्नमेंट भी नहीं बता सकती, हम ट्रेन में रोज जाते हैं, बातें होती हैं टेलीविजन से, ये गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम ये 75% ये क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम। करण सिंह, क्या सोचते हैं जिस तरह से 1 जुलाई से बैन कर दिया गया, कहीं ना कहीं प्रभावित भी होंगे व्यापारी की बात करें, क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखो जी, गवर्नमेंट को इसको चाहिए था कुछ समय देना चाहिए ताकि हम आगे इसका दूसरी पॉलिसी का इंतजाम कर सके, और गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि जहाँ पे बैन लगाना था, जहाँ पे कंपनी थैली बनती है वहीं बैन लगाना चाहिए, ताकि वहाँ बैन लग जाएगा आगे मार्केट में वो थैली आएगी नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को। एक जागरूकता भी काम होता है, 75 माइक्रोन अभी काफी लोगों को नहीं पता, आप भी शायद, आपको भी जानकारी है, नहीं हमें नहीं पता, नहीं हमें कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। नगर परिषद ने कुछ अधिकारियों ने आप लोगों के साथ कोई बैठक किया, कोई मीटिंग की, बताया जाए किस तरह से क्या? नहीं, हमारे साथ नगर परिषद ने कोई मीटिंग नहीं की, कोई बैठक की, ना हमें कोई नोटिस भेजा है, ना ही कोई ढोंडी पिटवाई बाजार में कि भाई ये पॉलिथीन बंद की जाएगी, हमें अब इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या सोचते हैं आप इसको लेकर, जो प्लास्टिक बैन खाली थैली बंद करने से क्या होएगा? सिंगल यूज प्लास्टिक कितनी चीजें हैं, डिस्पोजल ग्लास है, पाइप है, इन चीजों को हटाओ, प्लास्टिक की बोतल को हटाओ, पानी की जो बोतलें उनको हटाओ, खाली थैली बैन करने से क्या होएगा? दूध की थैली आ रही है, दूध की थैली है, हजारों चीजें हैं, सब चीजों को बंद करिए। व्यापार किस तरह से प्रभावित होने के? व्यापार तो प्रभाव तो पहले से ही है, कोरोना के बाद तो व्यापार है ही कहाँ गया, उसके बाद इन्होंने ये कर दिया, और जो थैलियाँ जो कपड़े की आएगी वो महंगी इतनी है, हम दे ही नहीं पाएंगे, क्या कर सकते हैं? देखिए सर, ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है, बहुत सालों से यूज पब्लिक कर रही है। अगर इस चीज़ को बंद करना चाहते हैं, आप बैन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बड़ी कंपनियों को बंद करें, जो इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वहाँ पर बैन लगाइए,
उसके बाद हमें विकल्प दीजिए इसका कि हमें क्या यूज करना है। विकल्प अगर हमें मिल जाता है तो सब ऑटोमेटिक अपने आप ही बंद हो जाएगा ये। अगर जब हमें विकल्प मिलते ही ऑटोमेटिक ही बंद हो जानी है। अगर आगे से कंपनियां बंद होगी, माल नहीं आएगा, बाजार में नहीं मिलेगा, तो कौन यूज कैसे करेगा इसको? अपने आप ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी ये। और विकल्प सरकार को हमें जरूर देना चाहिए कि आप ये नहीं है यूज करो। देखिए, पब्लिक के सहयोग के बिना कोई काम नहीं होता। एक समय था जब कपड़े की थैले बनते थे, आज भी यूज किए जा सकते हैं। बिल्कुल यूज होंगे। अब देखिए, हम ये यूज कर रहे हैं पन्नियाँ, ये इसका विकल्प है, हम लाए हैं। परंतु ये पन्नी आज के दिन 10 रुपए की पड़ रही है हमको जी। ये पन्नी 10 रुपए की पड़ रही है और 5 किलो चीनी में हमें देनी पड़ती है ये। और चीनी के अंदर 1 रुपए की से 1.5 रुपए किलो का मार्जिन है जी, बत्ती से बत्ती। और 10 रुपए की उसमें थैली लग जाएगी। दुकानदार के लिए क्या विकल्प रह जाएगा इसका, बताइए मेरे। यानी दुकानदार को 10% मार्जिन लेके चीनी में ही चलना पड़ेगा जी, जब कहीं जाके वो इस पन्नी को यूज कर सकता है। 10 रुपए की पन्नी है सर ये जो मेरे हाथ के अंदर है, इस पन्नी कपड़े की बनी हुई, कपड़े की बनी हुई है जी। कहेंगे आप व्यापारी है, हाँ, तो प्लास्टिक, सिंगल प्लास्टिक यूज जो बैन किया गया, किस नज़र से देखते हैं आप? वैसे नज़र तो घटिया है जी, बंद हो जानी चाहिए। और इससे कंपनी वालों को बैन लगा दो जो मैन्युफैक्चर है। क्या इतने लंबे समय से जो पॉलिसी चल रही है, सरकार को कामयाबी मिलेगी इसको? बिल्कुल मिलेगी, टाइम लगेगा। अभी कोई कहते 2 महीने में 4 महीने में हो जाए तो वो काम तो होगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा। पब्लिक को भी सहयोग करना चाहिए। पब्लिक तो बड़ी निकम्मी है ये समझ लो, चोरी से पैसे लग जाते हैं। अब हमें 1 तारीख से मैंने बच्चों को बोला, मैंने जो थैली है वो छुट्टी कर दो। क्या आम जनता को सहयोग नहीं करना चाहिए, कपड़े का थैला नहीं यूज़ करना चाहिए? करना चाहिए, सुधार धीरे धीरे होगा जी, एकदम तो होने का नहीं।